बारिश का समय हो और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े मिल जाएं तो क्या ही बात है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाजार जैसे ब्रेड पकौड़े की रेसिपी बताऊंगा जिसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। ब्रेड पकौड़े के लिए हम सबसे पहले इसके आलू का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ एक पैन में मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अदरक और हरी मिर्च को हल्का सा सॉटे करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ और 1/2 टेबलस्पून जीरा। इसे भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती। तो ये देखिए ये भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाले का पाउडर। 10 से 15 सेकेंड इसे हम सॉटे करेंगे और तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ मैं 5 से 6 मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिन्हें मैंने पहले से ही उबाल के रखे थे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तीन से चार मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। इन सभी को मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी आलू की स्टफिंग बनके एकदम तैयार है। इसे हम ठंडा होने को रख देते हैं और आइए चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। जब तक आलू का मसाला ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं ब्रेड पकौड़े का बैटर, जिसके लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 कप बेसन। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून अजवाइन, इसे भी हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे पानी और इसका एक पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला सेमी थिक बैटर बना लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा पतला ना हो और ना ही ज्यादा मोटा। ये देखिए ये होनी चाहिए बैटर की कंसिस्टेंसी। बैटर को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। और आइए बना लेते हैं एक ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे थोड़ा सा धनिया। ध्यान रखिएगा कि आप धनिया की स्टेम्स को भी डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया के 1/4 क्वांटिटी में पुदीना, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी हम यहाँ बर्फ डालेंगे जिससे चटनी का कलर बना रहे और थोड़ा सा पानी। इन सभी को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए ग्रीन चटनी बनके एकदम तैयार है। अब यहां हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस
दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। अब एक ब्रेड स्लाइस पे हम लगा देंगे आलू वाला मसाला, इसे दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे और बीच से डायगोनली काट लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड स्लाइसेस पे भी चटनी और आलू का मिक्सचर लगा देंगे और डायगोनली काट लेंगे। अब यहां मैं आपको एक टिप देता हूं, ब्रेड को बेसन के बैटर में डालने से पहले 3 से 4 मिनट बाहर ऐसे खुला छोड़ दें। इससे ये होगा कि आपकी ब्रेड थोड़ी फर्म हो जाएगी और जब आप इसे बैटर में डालेंगे तो ब्रेड टूटेगी नहीं। बैटर को रेस्ट होते 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये हल्का सा थिक हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बेकिंग पाउडर आप तभी डालें जब आपको ब्रेड पकौड़े फ्राई करने हो। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे और अच्छे से बैटर में कोट कर देंगे। इसे अब हम डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू हॉट ऑयल में जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। और ये देखिए 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके एकदम तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो गाइज एंजॉय करें ये गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अपनी फेवरेट चटनी के साथ। इस रेसिपी को आप घर में एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ।